तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ करी लीफ का पेड़, कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं वैसे इसको। तो साल डेढ़ साल में ये बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। और इसको हरा भरा रखने के लिए क्या टिप्स हैं वो मैं आपको, जो मैंने खुद आजमाए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसके फ़ायदे कितने हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, तो दोस्तों ये देखो, ये है डेढ़ साल, दो साल हो गए इसको, दो साल पुराना पेड़ है ये। और कितना हरा भरा है, अभी तो खैर बरसात का भी मौसम है, लेकिन वैसे भी ये हरा भरा है। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने डालनी भी है तो इसमें एक तो गोबर की खाद डाल दो, गाय के गोबर की डालो तो ज़्यादा बेस्ट है, पत्तियों की भी चलेगी। नहीं तो फिर इसमें मैं और चीज़ आपको बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना कि इसमें क्या चीज़ डलेगी तो ये हरा भरा रहेगा। और इस बहुत गुणकारी है, आप किसी भी सब्ज़ी में इसको डाल सकते हैं, कढ़ी में डाल लो, पोहे में डाल लो, फिश करी में डाल लो, हर सब्ज़ी में ये डलता है ये। और साउथ इंडिया में तो आपको ये हर सब्ज़ी में, सांभर में, हर जगह वो इसको यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ भी रहते हैं। अच्छा, शुगर के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। इसकी चार पांच पत्तियाँ आप खाली पेट चबाओ तो शुगर के लिए ये बहुत बेस्ट है, तो इसको आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। और ये देखो, ये नीचे इसके कितने ये छोटे छोटे पेड़ भी इसके अपने आप निकल के आ गए, क्योंकि इसमें जो है ना वो बीज आते हैं। अभी इसमें है नहीं तो मैं आपको दिखाता, काले काले से बीज आएंगे पहले, वो पकने के बाद जो है आप इसमें डाल दो तो इसी में निकल आएंगे। ये दूसरी जगह लगा लो इनको, मैंने लगाया ही नहीं, ये इसी में थे तो ये निकल के आ गए। देखो ये कितने हरे भरे हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें आप क्या डाल सकते हो कि ये हरा भरा रहे। तो एक मिनट में अभी दिखाता हूँ। ये हैं केले के छिलके, आप घरों में केले लाते ही हो, खा लिए और उसके टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े आप जो है इनको काट लो, चाहो तो इनको सुखा लो, सूखने के बाद भी डाल सकते हो, और ये गीले भी आप डाल दोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें देखो मैं भी डालता हूँ, ये आप इसमें डाल दो, धीरे धीरे गलेंगे, ये टाइम लगता है इनको, तो ये धीरे धीरे गलते रहेंगे और इससे जो है इसमें जो ये ग्रीनरी है ये बिल्कुल बरकरार रहेगी और अच्छा हरा भरा रहेगा, हेल्दी रहेगा पौधा भी। तो इससे कोई वो नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, केले का छिलका बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इसको हरा भरा रखने के लिए ये फर्टिलाइज़र के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आज कड़ी लीफ का पेड़ है, ये दो साल का ये पेड़ है और देखो कितना बड़ा है ये। इसकी जब ये पत्तियाँ जब इसकी झड़ जाए पूरी तरह से तो इसकी आप चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, कटिंग कर दो तो इसमें थोड़ी सी और इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी क्या कहते हैं उसको, टहनियाँ जो है इसकी, वो अच्छी फैल जाती है। लेकिन अगर नहीं भी करो तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे को बताना कैसा है। तो नमस्कार।